टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें एक सिंगल फंक्शन होता है या कोई एक सिंगल ऑपरेटर होता है जो कि मेनी वे से हम इसको यूज कर सकते हैं। शुरू में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि वो अब किस तरह बिहेव करेगा। कंपाइल टाइम पर जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वहाँ पर फैसला होता है कि वो किस टाइप का उसका क्या बिहेव होगा। अब जिस तरह इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं यानी डायनामिक, और इसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम पर हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है। शुरू में हमें आइडिया नहीं होता कि वो कैसे बिहेव करेगा। अब मेथड के इसके तीन मेथड हैं बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के। सबसे पहले है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें देखें एक सिंगल ऑपरेटर होता है जिस तरह की ये प्लस है, बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेंट्स यानी हर एनवायरमेंट के लिहाज से ये डिफरेंट बिहेव करेगा। अब जिस तरह ये देखें, ये दो इंटीजर नंबर थे यहाँ पे ये एडिशन कर रहे हैं, इसी तरह के दो फ्लोट नंबर थे यहाँ पर भी ये एडिशन कर रहा है। अब ये देखें ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर जब प्लस लिखा होगा तो ये कंकैटिनेशन का काम कर रहा है यानी ये दोनों लफ्ज को कंबाइन कर देगा। तो यहाँ पर ये देखें ऑपरेटर ओवरलोडिंग तीन तरह से बिहेव कर रहा था, तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसकी दूसरी टाइप है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम यानी नेम सेम होते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ये ऑलरेडी मैं पहले भी थोड़ा सा इसका एक लेक्चर में बता चुका हूँ लेकिन इधर भी थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जिस तरह ये मैंने एक फंक्शन बनाया लोड एवरेज, फिर दूसरा फंक्शन बनाया फ्लोट एवरेज, अब यहाँ पे मैंने इंट एन लिख दिया। अब देखें डेटा टाइप भी सेम है, फंक्शन नेम भी सेम है लेकिन सिर्फ पैरामीटर्स डिफरेंट है और अभी डिफरेंट पर्पस हो गया इन दोनों का। इसी तरह वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम यानी ये कुछ प्रोग्राम के कुछ हिस्से में होते हैं बट डज नॉट एग्जिस्ट रियली, लेकिन रियली तौर पर ये एग्जिस्ट नहीं करते। डिफाइन इन द पेरेंट क्लास, ये हमेशा पेरेंट क्लास में लिखते हैं एंड कैन बी ओवररिटन। ओवररिटन का मतलब ये है कि अभी मैं जिस तरह कोई एक फंक्शन बनाया है तो चाइल्ड में भी सेम नेम और सेम सिग्नेचर के साथ जो चीज हम डिफाइन कर देंगे उसको हम ओवररिटन कहते हैं। डिफाइन बाय यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल, ये वर्चुअल के कीवर्ड से यूज होते हैं। जिस तरह देखेंगे क्लास बनी हुई है ये पब्लिक, अभी देखेंगे वर्चुअल लगने से ये वर्चुअल फंक्शन बन गए, वर्चुअल फंक्शन, और ये सी आउट हो रहा है क्लास से, यहाँ पर ये क्लास खत्म होगी। अब इसी तरह ये जो फंक्शन था मेंबर फंक्शन, ये एक और अगर मैं क्लास लूँ और यहाँ से इसको डिराइव करूँ तो उसको हम कहते हैं ओवर रिटर्न। और ये था पॉलीमॉर्फिज्म जो तीन तरीकों से होती है, वर्चुअल फंक्शन से हम ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।